ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଠିକି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖତେ ହୁଏ ଆଜ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେ 4 ଆଡିସନାଲ ବଟାଲିୟନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା କା ଫୈସଲା କିଆ ହେ। ୟେ 637 କରୋଡ଼ କି ଲାଗତ ସେ ଇନକୋ ସ୍ଥାପନା କି ଯାଏଗୀ। 4 ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆଟ୍ ଏ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରୁପିଜ 637 କରୋଡ଼, ଜିସ୍ମେ 2 ବଟାଲିୟନ ITBP और 1 बटालियन ईच BSF और आसाम राइफल्स के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो देश में आपत्ति के समय, प्राकृतिक आपदा के समय कार्रवाई करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास भारत सरकार ने किया है। और पहाड़ों के चुनौतियों को देखते हुए ये चारों, आरंभ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में इनको स्थापित किया जाएगा। और दिल्ली में स्थापित करने का बहुत सिंपल कारण यह है, कई बार दिल्ली से आपको रशिंग करना पड़ता है, तो दिल्ली में भी एक यूनिट रहनी चाहिए। मित्रों, फिर हमारे बिहार और पूर्वी भारत के लोगों को एक और मुझे अच्छी खबर देनी है। गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी यूनिट को रिवाइव करने के लिए आपको मालूम है भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं, और इसके लिए एक हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड HURL भी बना है, जिसमें NTPC, IOCL कई कंपनियां हैं। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि उनको जमीन भी लीज पर दी जाएगी 55 साल के लिए, ताकि अपने काम को इंप्लीमेंट कर सकें। और आपको मालूम है कि ये जो चारों तीनों जो कंपनियां हैं, गोरखपुर फर्टिलाइजर, सिंधी फर्टिलाइजर, ब्राउनी ऑफ हिंदुस्तान फर्टिलाइजर, ये चारों जो गैस चल रहा है जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, उसमें भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक है। तो एक बड़ा काम, तो हम लोग किसी काम की घोषणा करते हैं, उसको फॉलो अप करा करके लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं। मित्रों, झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है कि वहां पर लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक अस्पताल था कर्मा में, अब यह तय हुआ है कि वो अस्पताल जमीन के साथ झारखंड सरकार को दे दिया जाएगा और वहां एक बड़ा न्यू मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो हमारी जो नीति है कि नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, डॉक्टर बने, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, तो उसमें हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है। मित्रों, बाकी जो कैबिनेट के फैसले हैं, यहां एक है कि जो एक OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए कमीशन बना हुआ है, उसके टर्म को नवंबर 2018 तक बढ़ाया गया है, जो समाप्त होने वाला था। तो इस हफ्ते आपने देखा होगा सामाजिक न्याय के कई फैसले हुए, SC ST एक्ट का कानून पारित हुआ, अभी राज्यसभा से मैं पारित करा के आ रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेट भी हुआ। उसके बाद OBC के लिए जो बैकवर्ड कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आज OBC के सब कैटेगराइजेशन के आयोग को हम लोगों ने टर्म एक्सटेंड किया है। मित्रों, और कई MOU हैं इंडोनेशिया के साथ, कनाडा के साथ, कोरिया के साथ, इसके बारे में आपको स्टैंप ड्यूटी में मिल जाएगा। सिर्फ एक जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ज्वाइंट पोस्टेड स्टैंप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये 20 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हुआ है। इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट विल डिपिक्ट दीनदयाल उपाध्याय फ्रॉम इंडिया एंड ओलिवर टैम्बो ऑफ साउथ अफ्रीका, द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर। तो पोस्टल स्टैम्प के माध्यम से भी रिश्ते को मजबूत किया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। अब मित्रों, आज ट्रिपल तलाक के बारे में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि ये लोकसभा से पारित है, राज्यसभा में पेंडिंग है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। आज कैबिनेट ने इसमें 3 संशोधन किया है, मैं पहले हिंदी में बता दूंगा फिर इंग्लिश में बता दूंगा। पहला कि 3 तलाक में अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो यह तभी कॉग्निजेबल होगा जब FIR पत्नी फाइल करेगी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइल करेंगे। तो यह चर्चा कुछ अखबारों में हो रही थी कि नेबर कैन ऑल्सो फाइल, पड़ोसी फाइल कर सकता है, तो अब सीधा विक्टिम पत्नी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या कोई शादी से जो रिश्तेदार है वही कर सकते हैं, तभी एक केस कॉग्निजेबल होगा।
दूसरा एक चिंता ये थी कि पत्नी और पति के बीच समझौते का भी अवसर मिलना चाहिए। तो आज जो इसमें संशोधन अलाउ किया है कि अब हमने इसको कंपाउंडेबल कर दिया है, पति और पत्नी की सुनवाई करके उचित टर्म पर मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग यानी समझौता करा सकता है। और तीसरा, ये कोई नॉन अवेलेबल नहीं किया है, कहीं एक टीवी में चली है खबर, वो खबर गलत है बिल्कुल। ये पूरा कानून अभी भी नॉन अवेलेबल है, सिर्फ एक ही बात कहा है, मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, उसको स्पष्ट। पुणिधर आम फेर बड़ खबर को केन्दुझर रे केन्दुझर डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज रा तृतीय वर्षर छात्री को रैगिंग अभियोग आसी जो थी कि छात्री अवस्था संकटापन्न अच्छी केन्दुझर जिला मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा चिकित्सा चली हॉस्टल रे चतुर्थ वर्षर छात्री माने रैगिंग करथिबा अभियोग होईछि। एनिके एक कमिटी गठन करा जायछि इंजीनियरिंग कॉलेज पक्षरु एवं से कमिटी जांच करुछि रैगिंग संपर्क रे। राउरकेला आसी पीड़िता छात्री का बापा मा पहुंची सारी ये हूँ दृश्य आप देखुं फर्स्ट विजुअल न्यूज 18 ओडिया माध्यम रे पीड़ित छात्री चिकित्सा चली केन्दुझर जिला मुख्य डाक्तरखाना रे तृतीय वर्षर छात्री एवं तांकु रैगिंग करिछंती जहाँ अभियोग होछि जे चतुर्थ वर्षर किछि छात्री तांकु रैगिंग करिछंती एवं रैगिंग एते गंभीर भाव में मानसिक भाव में तांकु आघात देछि जे तांक अवस्था गुरुतर अछि एवं सेथिपाय तांकु चिकित्सा चलिछि केन्दुझर जिला मुख्य डाक्तरखाना रे। रैगिंग को रोकिबा पई जते नियम प्रणयन करागले भी रैगिंग उपरे रोक वर्तमान पर्यंत लागि पारु नाही जार परिणाम पुणि थे केन्दुझर रे सामना को आसी प्रश्न उठू जे एंटी रैगिंग सेल रही कि नहीं केन्दुझर डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज रे एवं जो कमिटी जांच करिबा से कमिटी केबे सुधा रिपोर्ट दबा एवं से कमिटी केते निरपेक्ष भाव में रिपोर्ट दबा वास्तव में जो माने दोषी से सामना को आसी पारे कि नहीं तो अनेक कथा इटी उठू